वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बीजेपी में 27 साल के राजनीतिक करियर के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरकार पार्टी छोड़ दी। पटना साहिब से लोकसभा चुनाव का टिकट ना मिलने पर उन्होंने कांग्रेस का रुख कर लिया। बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने ना सिर्फ राजनीति में अपनी पैठ बनाई बल्कि उन्होंने अपनी छवि भी एक राजनेता की बना ली है। शत्रुघ्न सिन्हा आडवाणी के जमाने में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। पर आज शत्रुघ्न सिन्हा नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी में इतने दरकिनार कर दिए गए कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। आखिर कैसे हुई इसकी शुरुआत, जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल बात है जुलाई 2013 की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में चुनाव होने थे। उसी के साथ बीजेपी 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी तय कर रही थी। गुजरात में 2012 का चुनाव जीतकर इस दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी सबसे तेजी से आगे बढ़े थे। दो बार चुनाव हारने के बाद आरएसएस लालकृष्ण आडवाणी को लेकर आगे बढ़ने के मूड में नहीं था। जब इसकी भनक आडवाणी को लगी तो उनके साथी नेताओं ने पार्टी में मोदी का विरोध शुरू कर दिया। बयान देने वालों में सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं बल्कि कई और नेता भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने जुलाई महीने में एक फ्रैंक ओपिनियन में कहा था कि मोदी को अगर आगे बढ़ना है तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ही बढ़ना होगा। मोदी देश के लोकप्रिय नेता जरूर हैं, पर आडवाणी जी का आशीर्वाद भी जरूरी है। उन्हें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेताओं की गाइडेंस की जरूरत है। यही से बात बिगड़ गई। हालांकि इस बयान के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उनके बयान का मतलब एंटी मोदी होना नहीं है, लेकिन तमाम सफाई के बावजूद भी 6 साल बाद तक पार्टी में उनके लिए हालात नहीं संभले। उस वक्त 2014 में बीजेपी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह के हाथों में थी, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को पटना से टिकट मिल तो गया, लेकिन फिर इसके बाद उन्हें कई मौकों पर तवज्जो नहीं दी गई। जुलाई 2014 में दिए गए बयान के बाद कई बार शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी की तारीफ भी की, पर मामला बैलेंस नहीं हुआ। अप्रैल 2014 में उन्होंने बयान दिया कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी 272 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि वे बीजेपी के उन नेताओं में से पहले हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी बतौर पीएम बेहतर काम करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी याद दिलाया था कि उन्होंने ही पटना की रैली में पहली बार नमो की संज्ञा दी थी। इसके बाद साल 2014 में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए फर्स्ट में केंद्रीय मंत्री रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। कुछ समय तक तो शत्रुघ्न सिन्हा चुप रहे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2015 में बिहार में बीजेपी की हार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि अगर जीत की ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। इसके बाद कई मौकों पर उन्होंने कभी पीएम मोदी की प्रशंसा की तो कभी ताने कसे। इसी तरह वे धीरे धीरे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अलग होते गए। साल 2015 में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे की शादी थी, इसलिए पूरा सिन्हा परिवार न्योता देने के लिए दिल्ली आया। पीएम मोदी भी शादी में शामिल होने के लिए मुंबई गए थे, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली नहीं, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे नेताओं से मिलते रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भाव नहीं दिया। सब कुछ हो जाने के 5 साल बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में होकर भी बीजेपी में नहीं थे। वे पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बयान देते रहते, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कभी एक्शन नहीं हुआ। बहुत पहले जसवंत सिंह जी को जिस तरह से उन्होंने शिफ्ट कराया वहाँ से, उसके बाद यशवंत सिन्हा जी को, स्टेट्समैन को, अरुण शौरी जैसे विद्वान को, ऊपर से मुरली मनोहर जोशी जैसे परम विद्वान, वो कहाँ, और आज आखिरकार अंतोगत हुआ वही किया जो आडवाणी जी के साथ हुआ। ऐसा जुल्म, अन्याय नहीं होना चाहिए था। पूरे देश की जनता बहुत दुखी है। ऐसा लगता है
कि कुछ महीने पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा को अंदाजा हो गया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में कहा था कि चुनाव तो वे पटना साहिब से ही लड़ेंगे, सिचुएशन चाहे जो भी हो लोकेशन वही रहेगी। लेकिन अब देखना ये है कि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा कब चुनावी बिगुल फूंकते हैं। तो ये थी शत्रुघ्न सिन्हा की बीजेपी से विदाई की दास्तान। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com।